गाँव में होते हैं हम या फिर कुछ जगह पे होते हैं ना, तो इतनी गर्मी झेल रहे होते हैं। लेकिन भाई अब देखो ये वाली धूप देखो, कितनी भयंकर धूप है यहाँ पे। मेरी परछाई बन रही है साफ साफ, बहुत भाई टेम्परेचर हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज का दिन ना मैं उठाऊँ, जब से काम में लगा पड़ा हूँ, ये देखो पूरी पैकिंग करी है मैंने। इस चीज़ को देखो, ये पूरा बैग मैंने इतने ज़्यादा सामान से भरा है ना कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने ज़्यादा कपड़े मैंने ज़िंदगी में कभी पैक नहीं करे अपने, पहली बार मैंने इतने कपड़े पैक किए हैं। और देखो तुम्हें मैं दिखाऊँ, और फिर ये रही मेरी अलमारी जो भरी रहती थी, ये खाली हो गई। इसमें इतनी जगह है, वहाँ पर कोने में कपड़े हैं, ये मैंने रख दिए हैं। क्योंकि अब जहाँ तक है भाई, मैं एक महीने बाद देखूँगा इस रूम को, तो मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और अब मैं तुम्हें क्या ही छुपाऊँ तुम लोगों से, मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरी ट्रेन है थोड़ी देर बाद, मैं पहुँचूँगा गोवा। तो लोग गोवा घूमने के लिए जाते हैं, पर मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा भाई, घर वालों के साथ जा रहा हूँ अपने। और क्यों जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ, वहीं जाके बता दूंगा सारे रीज़न चेंज चेंज है। और देखो तुम्हें ट्रिप दिखाता हूँ मैं अपनी, जितने मेरा सामान था ना मैंने क्या किया, वो जो रेड वाला बॉक्स है, ये वाला अपना, ये वाला इसमें रख दिया है। और जो ऊपर वाले बॉक्स है उसमें मैंने अपने चार जोड़ी जूते रख दिए हैं, है ना, मेरे चार जूते उसमें हो गए। और भाई फिर मैंने ध्यान दिया कि अभी और बच गए, फिर मैंने यहाँ पर रख दिए ये मेरे वाले कॉलेज के जूते जो मैं रखने वाला था वो वाले। तो इसके लिए और दिक्कत यह है, मुझे पहले दिख जाते ये बाहर पड़े हुए, तो मैं रख देता। अब मेरे पास परेशानी है भाई, चप्पलों को कहाँ मैं रखूँ, एक चप्पल तो मैं ले जाऊँगा, एक जूते मैं लेके जा रहा हूँ जो मैंने बैग में रख दिए हैं, फिर जो मेरी बची हुई दो तीन जोड़ी चप्पलें हैं इनको किस में रखना है या फिर ऐसे ही छोड़ देना है, ये पता कर रहा हूँ मैं अभी। और ये देखो ये सारा सामान मैं लेके जाऊँगा, ये मैं लेके जाऊँगा, ये कंबल पैक होगा, चादर पैक होगी, तकिए पैक होंगे, गद्दे के ऊपर ये वाली पन्नी चढ़ाई जाएगी जिस पे मेरा गद्दा बिछा रहता है ना, ये वाली जो पन्नी है ये गद्दे के ऊपर, तो गद्दा पैक हो जाएगा। फिर हो भाई सारा काम, अब देखते हैं यार, कर रहा हूँ एक एक करके। अब मेरे पास देखो एक प्लान होता है, दवाई भी पड़ी थी मेरे पास अपनी किसी चीज़ की, तो इसमें दो गोली बची हैं, ये एक गोली, ये एक और ये दो। मैं सोचा कि क्या रखेंगे, सच्चा खा लेंगे भाई, खा के ख़त्म कर देंगे। इसमें मैक आ जाएगा, दो खड़िया रख ली हैं और सारी पैक कर दी हैं, यही चल रहा है। भूख लग रही है, खाने पीने की जुगाड़ देखें कुछ। और ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, हेलमेट वहीं पर, ये वाला हेलमेट यहीं पर, बाइक एज यूजल अंदर इस जगह पर, जब मैं करूँगा जब दिखाऊँगा कर रहे हैं। और हाँ भाई देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, जिस ब्रश से मैंने वो बनाया था, पत्थर के हो गए भाई इसके तो ब्रश, ये देखो वो मुड़ गया मुड़ गया, बहुत देर से पानी में डाल रखा है, पत्थर की तरह काम कर रहा था बेचारा। अब ये सही हो जाए ये उम्मीद है मुझे, ज़्यादा ही हो जाएगा। आज किचन में कुछ नहीं बन पाया क्योंकि दीदी शाम को आएंगी, शाम तक मैं निकल जाऊँगा, मेरी ट्रेन है 3-4 बजे की, गोवा के कौन से स्टेशन पर जाऊँगा मुझे ये नहीं पता, दादू अम्मा जा रहे हैं, तो मैं बीच में से ही सडन प्लान इसलिए बना था कि मैं बीच में से ही आ जाता हूँ, क्योंकि अब कोई काम था नहीं ऐसा, कॉलेज ज्वाइन करूँगा मैं जनवरी में सीधे जाके, है ना। चलो तो यार मैं पैकिंग वैकिंग कर लूँ, खाना वाना खा लूँ, अब तो मैं मिलते हैं या तो सीधे गोवा पहुँच के, या ट्रेन के बीच में से जो नज़ारे पड़ते हैं ना उनको मिस मत करना, इस बार उनको कवर करूँगा मैं, पिछली बार कर नहीं पाया था यार, क्या कवर करूँगा, रात में पहुँचेगी ट्रेन। और कोशिश रहेगी जो भी होगा जैसा भी होगा बताया जाएगा भाई तुम लोगों को। थैंक यू भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ तक अभी तक साथ दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लगा देख के सच में, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस चीज़ को कि मैंने जब स्टार्ट किया था बनाना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, कि सच में डेली के ब्लॉग्स आ रहे होंगे, लेकिन आ रहे हैं, रिस्पॉन्स भी सही है, थैंक यू। तो यार मैं निकलने के लिए तैयार, ये देखो बाइक मैंने इस बार इस तरीके से पैक कर दी है भाई, चादर डालने की कोशिश थी, जितनी डाल पाए उतनी डाल दी, जितनी नहीं डाल पाए उतनी नहीं डाली, तो साइज़ के हिसाब से काम हुआ। ये देखो पूरी आनी भाई, ये उस जगह से छोटी बढ़ रही थी, फिर उस तरफ नहीं आ पाती है, और ये कोने में इसलिए खड़ी है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ये देखो। और ये मुझे तड़ी इसलिए खड़ी करनी पड़ी ताकि इसका शीशा इसमें ना लग जाए। हाँ तो भाई भाई कह सकते हैं भाई, और अब मैं निकलूँगा सीधे कैब वगैरह बुक करके, भोपाल जंक्शन से जाना है मुझे, और फिर सीधे पहुँच जाएंगे कल सुबह, नहीं कल शाम को भाई, बहुत लंबा सफ़र है कसम से, मतलब दिन के वक्त में पहुँचेंगे, जो व्यू मैं दिखा नहीं कह रहा था वो दिन में आएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, मेरे पास ये एडवांटेज है बस, सबके मैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगा जो मैं दिखा नहीं कह रहा था। हेलमेट वगैरह रखे हुए हैं, एक हेलमेट ये रखा, एक हेलमेट ये रखा, बस होप सो कोई कोई छेड़ेगा क्या, बच्चे थोड़ी हैं घर में तो छेड़ेंगे। और अपने पेन वगैरह यहाँ रखे हैं सब, छोड़ के जा रहा हूँ भाई ऐसे ही, एक महीने बाद देखूँगा बाकी क्या चक्कर है इन लोगों का, मतलब पेन वगैरह का। एक कैलकुलेटर यहाँ पे है, एक और होना चाहिए नया वाला, ये देखो जरा, ये मेरा कैलकुलेटर है जो मेरे काम में नहीं आया, एग्जाम में हमेशा लेके गया हूँ पर यूज़ नहीं किया मैंने एग्जाम, नहीं एक बार कर लिया था भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई ड्रग नहीं है, ये काली मिर्च है पहले बता रहा हूँ,
चलो तो अब मैं स्टेशन पहुंचता हूँ। और हाँ, थैंक्स टू इंडियन रेलवे, ट्रेन 2-3 घंटे लेट है तो मैं बहुत आराम से सारा काम कर पाया हूँ। यार पहुंच गया मैं स्टेशन और ऐसा हुआ कि ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी कि मैं बहुत ज़्यादा आराम से आया तो अब मैं लेट हो गया हूँ। और ट्रेन है 30 मिनट बाद, मुझे टिकट भी लेनी है और बनाओ सडन प्लान। और टिकट काउंटर पर ये हो रही भीड़, मुझे यहाँ पे लग के टिकट लेनी पड़ेगी। वो तो किस्मत है मेरी कि ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आएगी। बुकिंग ऑफिस, टिकट घर, ये रही। चलो तो भाई अब टिकट विकेट लेके मैं बनाता हूँ। तो यार देखो अभी ना हम लोग कोई रतलाम गिरी करके स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे हैं। और इधर की गर्मी देखो भाई, भोपाल में बारिश पड़ रही थी जब से मैं भोपाल में था, मतलब बारिश हो रही थी। इतनी धूप इतनी गर्मी मैंने देखी नहीं है, अब भयंकर लग रही है ये वाली गर्मी। अब हालांकि इतनी गर्मी की आदत है, मथुरा में होते हैं हम या फिर कुछ जगह पे होते हैं ना तो इतनी गर्मी झेल रहे होते हैं, लेकिन भाई अब देखो ये वाली धूप देखो कितनी भयंकर धूप है यहाँ पे। मेरी परछाई बन रही है साफ साफ बहुत भाई। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है यहाँ पे आराम से 33 डिग्री है। और मैं स्टेशन का नाम ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्ट बताने के लिए तुमको, और जाओ गोवा भैंचो, दिसंबर में भी गोवा मत जाओ, वही ना तो कह रहा हूँ। रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें, स्टेशन का नाम कहीं नहीं लिख रहा भाई, स्टेशन का नाम आसपास आर से है कोई, रतलागिरी करके स्टेशन है भाई ये, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ये गर्मी दिखाने के लिए मैंने ये ऑन किया है। और इस स्टेशनों पर भीड़ तो आजकल होने लगी गई है। चीपेस्ट वे टू गो गोवा बनाने की सोच रहा था मैं, लेकिन अब मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया इस गर्मी को देख के भाई। तो एक बार देखो तो सही, तो चीपेस्ट वे टू गो गोवा प्लान कैंसिल है भाई। वो ना कमेंट में बता दूंगा मैं, वैसे ही पूछ लेना तुम। पहले मैं इस गर्मी को झेल लूँ, बाहर निकल के इतनी राहत मिली है, हवा लगी है, ऊपर से ट्रेन 2 घंटे लेट 2.5 घंटे लेट थैंक्स टू इंडियन रेलवे। आज नहीं भाई थैंक्स, चलो बढ़िया है, लेट नहीं होती तो मैं पकड़ नहीं पाता। चलो अब सीधे तुम्हें गोवा पहुँच के बताते हैं कि कैसा रहा मौसम वहाँ पर, क्या हाल है। तो यार पहुंच गया मैं स्टेशन पे इतने स्ट्रगल के बाद, और इस जगह पे धूप कम है क्योंकि छाया हो गई है, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा ही होती। और अम्मा अभी भी पीछे चल रहे हैं, तो मेरे पास सामान बढ़ गया है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, कल से गोवा के ब्लॉग्स आएंगे अगर मैं कहीं गया तो, और मैं घर में रहा तो घर के आएंगे, और जो भी है ब्लॉग्स तो आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें स्टेशन का नाम दिखा दूँ, पहले तो तुम भीड़ देखो भाई स्टेशन पे, ये जो लोग घूर घूर के देख रहे हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, इन लोगों का कोई सोल्यूशन हो तो तुम प्लीज़ मुझे बताना। और चीपेस्ट वे टू रीच गोवा तो मैंने कर दिया भाई आज, ये ट्रिक मैं बताऊँगा अगले वीडियो में मैंने किया क्या है। और ये देखो ये स्टेशन का नाम जिस पे आना मैं आया हूँ भाई, और तुम अपने सहूलियत के हिसाब से आना। ये देखो ठीक है, तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय, एक्शन सब्सक्राइब, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कल वाली में वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। और ये जो स्टेशन है ना इसका एक तरफ ही वो है पुल है ऊपर जाने वाला, ये देखो जिस साइड में जा रहा हूँ तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखो, तो इसी वाली तरफ से तुम भी कोशिश करना निकलने की, कोशिश करना साइड ये क्या तो वहीं से निकलना पड़ेगा। और चलो भाई अब रखते हैं, और ऐसे स्टेशन है छोटा सा, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर उधर है, और झाड़ी वगैरह के बीच में ये शेड आई। चलो फाइनली कुछ तो हुआ, चलो बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वो पेंट्री कार भी थी इस ट्रेन में, पता चल गया मुझे, कुछ खा लेता मैं।